हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय बज रहे हैं सुबह के 10 और हम लोग हैं घर के बाहर, और आज भी मौसम हो रखा है बारिश वाला, लेकिन मम्मी लगे हुए हैं काम पे। मम्मी यहाँ से मिट्टी निकाल रहे हैं बिकॉज मम्मी अभी लगाने वाली है फिर से एक और पौधा, तो मम्मी लगाएंगे फूल का पौधा, इसीलिए मम्मी निकाल रहे हैं वहाँ पर से मिट्टी। तो फ्रेंड्स, मम्मी इस बाल्टी को फ्लावर पॉट बनाने वाले हैं। इस बाल्टी में मिट्टी भरकर मम्मी इसमें लगाएंगे फूल का पौधा। अभी हमारे पास फ्लावर पॉट है नहीं, इसीलिए इस बाल्टी में ही लगा देते हैं। बाद में लेकर आएंगे फ्लावर पॉट और उसमें लगा देंगे पौधा। तो फ्रेंड्स, मम्मी को मिला है यहाँ पर एक नया फ्लावर का पौधा, तो मम्मी उसे लगा रहे हैं। तो फिलहाल इस बाल्टी को ही बना देते हैं फ्लावर पॉट। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने यहाँ पर बना दिया है इस फूल के लिए जगह, और अभी इसमें मम्मी पानी डाल रहे हैं। अब ये पौधा भी यहीं पर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, मम्मी को तो वो जगह भी पसंद नहीं आई, तो पता नहीं अब तो मम्मी रोज़ इसका ट्रांसफ़र करती रहेंगे। ये देखो मम्मी ने कहाँ पहुँचा दिया उसे, तो अब यही रहेगा। मम्मी को जब जहाँ पर अच्छा लगेगा मम्मी उसको वहीं ट्रांसफ़र करते रहेंगे। अब वहाँ से दूसरा फ्लावर हटा दिया, अब वही अच्छे लग रहे थे, क्यों हटाया। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने फिलहाल तो यहाँ पर रख दिया है, अब पता नहीं कब ट्रांसफ़र होगा इसका यहाँ से। ये एक लाइन से ये फ्लावर पॉट अच्छे लग रहे थे और बीच में उसको रख दिया, अभी भी कोई फिक्स नहीं है उसकी जगह, वो कभी भी उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस फ्लावर पॉट में गेंदे के काफ़ी सारे पौधे हो रहे थे, तो मम्मी उनको निकाल रही है। आज मौसम अच्छा हो रखा है बारिश वाला, तो मम्मी लगे हुए हैं प्लांटेशन करने में। मम्मी यहाँ पर लगाने लग गए हैं एक लाइन से गेंदे के पौधे। ये तो फिर मम्मी ऊपर ही ले जा रहे हैं एक डब्बा, और बस डब्बे लगाते रहो वहाँ पे। तो मम्मी लगा रहे हैं इस फ्लावर पॉट में गेंदे का फूल। तो ये रख दिए एक लाइन से मम्मी ने फ्लावर पॉट, और बीच में वो छोटा डब्बा रखना ज़रूरी था। अब देखो, मैंने कहा था ना कि उसका तो ट्रांसफ़र होते रहेगा दिन में पता नहीं कितने बार। चैन नहीं है उस बाल्टी को एक जगह पे। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने भी लगा दिया है फूलों के पौधे और हो गया है पौधा लगाने का भी काम, तो अब चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं और मैं हूँ इस समय घर के बाहर। अभी भी मौसम पूरा बारिश का ही बना हुआ है, और वाकई में अब तो बहुत ठंडा होने लग गया है, तो मैंने भी वूलन ड्रेस निकाल लिया, स्वेटर वगैरह पहन लिया, बिकॉज ठंडा हो रहा है। कल तो हम लोगों ने रजाई वगैरह भी निकाल ली थी, क्योंकि रात के समय भी काफ़ी ठंडा हो रहा था, और अभी फिर से मौसम बारिश का ही हो रखा है। थोड़ी देर से रुकी हुई है बारिश, सुबह से तो लगातार बारिश हो रही थी, और अब फिर से बारिश होने का मौसम हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी इस वक्त मैं हूँ छत में, और छत में तो धूप आ रखी है। नीचे बारिश का मौसम और ऊपर छत में धूप का मौसम, और बारिश के बाद की सफाई करने पर लगे हैं मम्मी, ये किडनैपर जैसे बनकर। छत में हवा चल रही है। तो फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ बारिश का पानी रुका हुआ है वहाँ वहाँ से मम्मी पानी सब साफ कर रहे हैं। मम्मी पानी साफ करते रहते हैं, और बारिश होती रहती है और वो पानी वहाँ पर अटकता रहता है। तो फ्रेंड्स, इस समय छत में भी हवा चल रही है और ठंडा हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने स्वेटर वगैरह पहन रखा है, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है तो ठंडा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी भी बारिश का ही मौसम बना हुआ है, धूप छांव टाइप का हो रहा है, लेकिन बारिश का मौसम पूरा बना हुआ है, दोबारा से बारिश होगी। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश का ही मौसम है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो फ्रेंड्स, छत में भी सारा काम हो चुका है, और छत में तो हवा चल रही है इसीलिए हवा में नहीं रहते हैं, और जब काम ऊपर का हो ही चुका है तो चलते हैं नीचे। सो फ्रेंड्स, हम लोग भी आ चुके हैं नीचे, अभी तक हम लोग ऊपर छत में थे, तो छत में थोड़ा सा धूप तो आ रही थी बट बहुत तेज़ हवा चल रही थी, इसीलिए हम लोग आ गए हैं नीचे और अभी घर के आगे बैठे हुए हैं। तो यहाँ तो धूप वगैरह थोड़ी सी भी नहीं है, बारिश जैसा ही हो रहा है पूरा, तो लेकिन ऊपर हवा में रहने से काफ़ी बेटर है,
कि यहाँ घर के आगे बैठते हैं। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं 6 और ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके अब जा रहे हैं हम लोग, वॉकिंग पे नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही थोड़े सामने दुकान तक जा रहे हैं अभी हम लोग। तो फ्रेंड्स, सब्जी ऑलरेडी बन चुकी है और आज सब्जी बनाई है तोरई की, और आटा भी गूंद के रख दिया है, और अभी मम्मी कर रहे हैं पूजा, तो जब मम्मी पूजा करके आ जाएंगे तब बनाएंगे रोटी। सो फ्रेंड्स, मम्मी भी आ गए हैं किचन में और मम्मी बनाने लग गए हैं रोटी। अब बनने लग गया है हम लोगों का रात का खाना। वैसे तो हम लोगों की सब्जी ऑलरेडी बन चुकी है और अब रोटी बन रही है। सो फ्रेंड्स, रेडी है हम लोगों का भी डिनर बनकर, और आज तो सब्जी बनी है तोरई की। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का व्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।